बहुत बेहतरीन सी गल गई। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो दालों को मैं मैश कर लूँ, घोटना चलाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि काम आसान हो जाए। और मैंने यहाँ पर दालों को कर लिया है मिक्स इस ब्लेंडर की मदद से। अभी देखें, ये थोड़ा सा लिक्विडी है, थोड़ा सा पतला लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने अभी इसको पकाया ही नहीं है, सिर्फ ये गलाई है और मैंने इधर इसको घोट लिया है, इसको मैश कर लिया है इसकी मदद से। तो दूसरी तरफ हम अपनी बाकी की तैयारी भी कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर की मदद से ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है गोश्त, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से मैंने डाला है इसके अंदर, सबसे पहले तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 2 टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर, इसी तरह 2 टी स्पून इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पर गोश्त जो है मैंने लिया है मिक्स, हड्डी वाला गोश्त है, थोड़ा चिकना भी है, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ नहीं है लेकिन कुछ हड्डियाँ हैं इसमें। और यहाँ धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है इसमें। हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा डलेगा तो हलीम का कलर इन्हांस होता है, तो इसलिए हम हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहे हैं। उसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं गलाने रख दूँगी। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर या दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बस इसी तरह से मैं इसको गलाऊँगी और ऑयल भी मैंने नहीं डाला। मसालों को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और तकरीबन 1 जग पानी डाल के मैंने इसको गलाने के लिए रखना है। पानी मैंने डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर कुकर लगा कर ढकना लगा दूंगी और तकरीबन आधा घंटा मैं इसको गलाऊंगी। नॉर्मली गोश्त तो 12 से 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन मैं इसको मज़ीद आधा घंटा करूंगी क्योंकि मुझे रेशा करना है ताकि आसानी से हो जाए। यहाँ आधे घंटे में बहुत अच्छा सा गोश्त गल चुका है। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर से हड्डियाँ अलग करनी है तो, और बोटियों को अलग करना है और ग्रेवी मैंने अलग करके, और मैंने वो जो दालें ब्लेंड की थी उसके अंदर मैंने ये ग्रेवी शामिल कर दी है। या देखें, अभी सिर्फ हमने ये ग्रेवी इसके अंदर डाली है। दालों के साथ मैं इसको बस हल्के से मिक्स करूँगी।
दूसरे तरफ मैंने जो है बोटियाँ थी उसको मैंने रेशा कर लिया है। और ये देखें, रेशा करने के बाद मैं इसको इस दालों में शामिल कर लूँगी। तो ये रेशा करने से बहुत आसानी हो जाती है, और रेशा भी आप चाहें तो ब्लेंडर में हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लें, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट थी तो वैसे ही स्पून से जल्दी जल्दी हो गई थी। तो ये रेशा करने से बहुत आसानी हो जाती है, घोटना ज़्यादा नहीं पड़ता हमें। और इस तरह से मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है, और मैं इसको घोटने की मदद से थोड़ा थोड़ा चला रही हूँ। अभी घोटने की मदद से मैं इसको घोट रही हूँ, लेकिन अभी देखें ज़ाहिर है अभी ये इस तरह से अभी तैयार नहीं है, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक अच्छा सा रेशा मिक्स नहीं हो जाएगा तो रेशा बनेगा भी नहीं। रेशा बनेगा हलीम में ज़्यादा इसलिए कि गोश्त आप क्वांटिटी ज़्यादा रखें, अच्छी रखें। ये देखें अभी रेशा नहीं इसमें बना था, तो मैं इसको काफ़ी देर इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, घोट रही हूँ। यहाँ 15-20 मिनट बाद देखें ये स्टेज पर हलीम आ गया है, थिक भी होना शुरू हो गया है, और हलीम में देखें रेशा कितना ज़बरदस्त बन रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा सा इसके ऊपर आ गया है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब ये इस तरह से मेरे तमाम बोटियाँ जो है मिक्स हो गई घोटियाँ, मैंने इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ढककर पकाया था, ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए दालों का। और फिर मैंने इसका जब ढकना खोला तो इस तरह से ये बबल्स इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है हलीम तैयार है, और ये काफ़ी थिक भी हो गया। इसके ऊपर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के गर्म मसाला पाउडर। यह आखिरी स्टेज है इस हलीम की, और दम पे जा रहा है, तो इसलिए मैं जो हूँ इसको गरम मसाले के साथ जो है इसका भगार लगाती हूँ। तो अब मैंने ये इसको मिक्स कर लिया है, और थोड़ी सी देर इसको कवर करूँगी। भगार के लिए सिंपल ऑयल ही यूज़ करेंगे, आपका दिल चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं, और रोगन वाला बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मैंने दूसरे 2-3 प्याज ले ली थी, उसको बारीक बारीक काट के मैंने इसको ब्राउन किया है, जो कि हलीमे भगार के लिए इस्तेमाल होगी, और गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देखें प्याज होती जा रही है ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करेंगे। इसी तरह लाइट ब्राउन हुई है, मैंने निकाल ली है, और इसको एक प्लेट में फैला के रख दिया था ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। यहाँ देखें मैंने प्याज जो है वो बिल्कुल भी इसको फैला के और रख लिया है, बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी बन गई है, और जो बाकी ऑयल इसमें बचा था वो मैंने इसमें भगार के लिए डाल दिया है। अभी भी बबल्स निकल रहे हैं, देखें इसका मतलब है हलीम बिल्कुल तैयार है, और हलीम पतला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो काफ़ी थिक ये हलीम तैयार हुआ है। और देख सकते हैं इतनी कम क्वांटिटी में दालें इस्तेमाल हुई थी, और कितना अच्छा ये भर के और पतीला, तकरीबन ये 8 किलो हलीम तैयार हुआ है हमारा, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से। और हमने निकाली है सिंगल सर्विंग इसकी, और मैं इसको करूँगी अब गार्निश। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के भी दिल चाहता है उसको गार्निश करके खाएं, बहुत मज़ा आता है। मैं तो इसके ऊपर डालूंगी चाट मसाला, सारे हरे मसाले भी डाले जाएंगे इसके ऊपर। बहुत सारे लोग सिरके में मिर्चें भिगोकर रखते हैं, हरी मिर्चें, और वो इसके ऊपर डालकर खाते हैं। तो मैंने सिरके में तो नहीं भिगोई थी, लेकिन मैं वैसे ही कच्ची इसके ऊपर डालूँगी। मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, हरी मिर्चें और अदरक काट के डाली है। फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको नज़र आ ही रहा है कि ये माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है, और जब आप इसको खाएंगे तो हर हर बाइट में रेशा आता हुआ महसूस होगा, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी रुई का नहीं है, वो बीफ का ही है रेशा होगा। जितना ज़्यादा बीफ हम डालेंगे उतना ही रेशा बनता है। ये देखें कितना अच्छा है, ये लजीज बना है। नान के साथ इंजॉय करें, या आप चमचे के साथ खाएँ, अपनी फैमिली के साथ बना के इस रेसिपी को एंजॉय करें। कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना है, और मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।